नमस्कार, मैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से वायरोलॉजी लैब का नोडल ऑफिसर डॉक्टर सुमित रावत आपको ये अपडेट आज दे रहा हूं कि हाल ही में हमको कल ही जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है जीनोम सीक्वेंसिंग की, कोरोना के जो मरीज पाए गए थे तो उसमें हमने 15 जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल भेजे थे 30 दिसंबर के तक के, और इसमें से 15 में से 9 की रिपोर्ट प्राप्त हो सकी है। बाकी का परिणाम जो रहा वो उसके कोई मतलब इनकन्क्लूसिव रहा, उसके कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। तो जो 9 परिणाम प्राप्त हुए हैं इसमें से 8 व्यक्तियों में डेल्टा प्लस पाया गया है सागर में, ये जो है दिसंबर माह की रिपोर्ट है, और इसमें से एक व्यक्ति जो खिमलासा के रहने वाले थे उनके भी जो रिपोर्ट की गई थी तो उसमें भी डेल्टा प्लस वेरिएंट ही पाया गया है, जो कि खतरनाक वाला वेरिएंट होता है जिससे डायरेक्ट लंग्स में अफेक्ट होता है, वो वाले वेरिएंट पाए गए थे। जनवरी में जो सैंपल भेजे गए हैं उसके परिणाम की प्रतीक्षा अभी है हमको, तो जैसे ही हम तक रिपोर्ट पहुंचती है वो भी हम सभी से शेयर करेंगे। तो यही अपडेट है आज का। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमेश पटेल, मीडिया प्रभारी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर। आज है 2 फरवरी, आपको कोरोना से संबंधित मरीजों का अपडेट दे रहा हूं। आज हमारी बीएमसी की फ्लू ओपीडी में 44 कोरोना संदिग्ध मरीजों को इलाज दिया गया है। बीएमसी में आज 2 कोरोना संदिग्ध एवं 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाजरत हैं। बीएमसी से आज 2 मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है, जबकि किसी भी मरीज को भर्ती नहीं किया गया। बीएमसी से आज किसी भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की मृत्यु की सूचना नहीं है। बीएमसी की लैब से आज 307 लोगों की रिपोर्ट आरटीपीसीआर पॉजिटिव है। आईसीएमआर पोर्टल पर रैपिड एंटीजन और अन्य लैब को मिलाकर कुल 239 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है। आप सभी से निवेदन है, सावधानी बनाए रखिए। कोरोना के लक्षण आने पर अपने आप को आइसोलेट करिए, चिकित्सक की सलाह लेकर उचित उपचार लीजिए। यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो कृपया कर वैक्सीन लगवा लें, वैक्सीन सुरक्षित है। धन्यवाद।